दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदी टेक न्यूज के एक और काफी अच्छे से फ्रेश से एपिसोड में। और मेरे काम के लिए काफी सारी कमाल कमाल की टेक न्यूज। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए चैनल पर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक्सोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें आज की हमारी पहली टेक न्यूज की, तो यहाँ पर ट्विटर की तरफ से है। और ट्विटर की तरफ से अभी जो टेक न्यूज है वो है, यहाँ पर बहुत सारे जो ट्वीट्स हैं उनको डिलीट किया गया। 100 से भी ज्यादा ट्वीट्स ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट को इंक्लूड करके थे और उनको रिमूव किया गया। अभी यहाँ पर ट्विटर ने बताया कि ये इसलिए रिमूव नहीं किए गए हैं कि यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पर उनको रिलेटेड हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो मतलब था, यहाँ पर था कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो मीटी है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे बहुत सारे लोग, यहाँ पर गलत ट्वीट करके, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके इस तरीके का स्नैरियो क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं कि मतलब लोगों को गलत चीज़ मिले और फिर लोग परेशान हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। और इसी वजह से बस मैंने चाहता था कि इस टेक न्यूज़ को लूँ और आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ इस चीज़ के बारे में कि सभी चीज़ें सीरियसली लेने का ट्राई मत करो, सभी चीज़ें सीरियसली मत लो। जो ट्विटर है या और भी प्लेटफॉर्म है अपने लेवल पर अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम में चेक करेंगे तो इंस्टाग्राम में कोई स्टोरी होती है कोविड से रिलेटेड, तो वहां पर भी स्पेशल उसका ट्रीटमेंट होता है कि उसे चेक करता है इंस्टाग्राम, उसके बाद अप्रूव करता है, तब जाके हमें दिखाई देती है। ऐसे यहाँ पर ट्विटर का भी है, फेसबुक का भी है, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही चीज ही स्प्रेड हो, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। तो अभी जो क्रिटिसाइज किया जा रहा था इंडिया को, मतलब कि इंडिया हैंडल नहीं कर पा रही, इंडियन गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही है, उस चीज को रिलेटेड यहाँ पर जो ट्वीट्स थे उनको डिलीट नहीं किया गया, डिलीट वो किए गए हैं जहां पर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, गलत चीजें पता चल रही हैं। तो एक ऐसा सीन चल रहा है। बाकी सब लोग ध्यान रखिए अपना और जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिए। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज की, तो यहाँ पर वो है जर्मन के कुछ सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि एयर ड्रॉप के अंदर एक लूप होल है, एक बोल सकते हैं बग है, जिस वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जा रहा है, एक बोल सकते हैं लूप होल ओपन हो जा रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर कुछ यूजर्स का जो फोन नंबर है, उनकी ईमेल एड्रेस है, वो पता लगाई जा सकती है। यानी कुछ प्रोसेस के जरिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक समझ लीजिए कि अगर वो हैकर एक मतलब एक नेटवर्क क्रिएट करता है जिसके अंदर अगर कोई यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहे अपने एयर ड्रॉप के जरिए और वो उससे कनेक्ट कर ले, तो वहाँ पर उस यूज़र का फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस बोल सकते हैं शो हो जाएंगे यहाँ पर, या बोल सकते हैं वो चोरी किए जा सकते हैं। तो वो एक चीज़ है जो बग मान लीजिए इसे, और इसको एप्पल बहुत जल्दी फिक्स कर देता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर सामने आती हैं तो एप्पल बहुत जल्दी उसका अपडेट भेजता है, उसको जल्दी से फिक्स कर देता है, ओके। काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो है एप्पल की तरफ से ही है वो भी यहाँ पर, और जो कि ऑफिशियल है। यहाँ पर अभी एप्पल अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वैक्सीन्स अरेंज कर रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन उनका ऑफिस में ही होगा, जो भी लोग एप्पल में काम करते हैं उनके। तो अगर बात करें कि यहाँ पर ये एप्पल ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सामने आई हैं, जिन्होंने जैसे स्कूल हो गए या कोई ऑफिस हो गए जहाँ पर उनका वैक्सीनेशन उनके ऑफिस के अंदर ही हो रहा है, स्कूल्स के अंदर हो रहा है टीचर्स का, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अभी एप्पल भी सामने मतलब इस चीज़ में सामने आया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अभी यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऐसा मतलब कुछ बोल सकते हैं ये रिक्वायर्ड नहीं है कि इमिडिएटली वो वापस ले जाएं, मतलब कि ऑफिस जाना पड़े और उन्हें वैक्सीनेशन कराना है, अपना टाइम ले सकते हैं, सबको एक बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट टाइप मिलेगी जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें बताया जाएगा आपको यहाँ पर तब इस टाइम पे आना है और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और वैक्सीन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वैक्सीन लग गई अब नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन के बाद भी हो रहा है, तो प्लीज़ घर में रहिए और सेफ रहिए। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज की, तो यहाँ पर व्हाट्सएप की तरफ से, जहाँ पर व्हाट्सएप में काफ़ी जल्दी एक नया अपडेट आने वाला है और नए फीचर मिलेंगे, जिसके अंदर जो एक तो स्टिकर पैक है जिसमें कि WHO की तरफ से ऑफिशियल है, जो कि उसके अंदर आपका वैक्सीन से रिलेटेड है, यानी कि वैक्सीन फॉर ऑल करके जिसमें वैक्सीन से रिलेटेड स्टिकर्स होंगे, जिससे कि इसे स्प्रेड किया जा सके अच्छे तरीके से, लोगों के दिमाग में डाला जा सके कि वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन सबके लिए सेम है, सबको लगनी है, सबके लिए रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जिससे कि और स्प्रेड कर सके, व्हाट्सएप की जो रीच है बहुत ज्यादा है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज को स्प्रेड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं। और इसके अलावा जो अगला फीचर है वो ये है कि यहाँ पर आपको बताया था मैंने एक बार प्लेबैक के बारे में कि आप लोग जो ऑडियो सुनते हैं, हम लोग पास जो ऑडियो आती है हम लोग भेजते हैं, उसको सुनने के लिए प्लेबैक का हमें ऑप्शन मिल जाएगा कि हमें किस स्पीड से सुनना है, यानी कि स्लो, फास्ट या जो भी हमें चाहिए, चाहे उसमें 0.5x हो, 2x हो, 3x हो, 3.5x हो, इस तरीके से हमें अलग अलग यहाँ पर टाइम मिल जाएगा कि हमें इतना स्लो भी कर सकते हैं, इतना फास्ट भी कर सकते हैं।
अभी एक्चुअल में उसका क्या यूज़ है। वैसे हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत बार थोड़ी लंबी ऑडियो होती है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी सुन सके, क्योंकि अगर थोड़ा सा फास्ट करते हैं तो ऑडिबल होता है, समझा जा सकता है वो, और थोड़ा सा फास्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है, पर फिर भी एक अच्छा फीचर होगा। और भी फीचर्स यहाँ पर आने वाले हैं काफ़ी जल्दी। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो है भाई पबजी की तरफ से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंडियन यूज़र्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जो पबजी बैन होने के बाद से, यानी कि जो इंडियन वेरिएंट था उसके बैन होने के बाद से, यहाँ पर जो रीजन स्पेसिफिक गेम्स, यानी कि जैसे कोरियन वर्जन हो गया या वर्ल्ड वाइड वाला है, इस तरीके के जो गेम्स उनको खेल रहे थे पबजी वाले, तो अभी यहाँ पर जो बोल सकते हैं कोरियन वाले के जो डेवलपर्स, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर अभी वो मेक श्योर करेंगे कि जो इंडियन यूज़र्स हैं वो ना खेल पाए इस कोरियन वर्जन को, जो कि सिर्फ अभी सिर्फ दो ही के लिए होगा, यहाँ पर जापान के लिए और कोरिया के लिए, तो इसे स्पेसिफिक कर देंगे बिल्कुल, और आप लोग शायद वीपीएन के थ्रू भी नहीं खेल पाएंगे। तो एक बोल सकते हैं ये चीज़ दो चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, पहली चीज़ तो वो लोग नहीं चाहते कि इंडियन यूज़र्स खेलें, दूसरी चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि जो इंडियन वर्जन है बहुत ही जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो इंडिया स्पेसिफिक गेम है पबजी मोबाइल इंडिया, जो कि स्पेशली इंडिया के लिए डिज़ाइंड है, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हैं, जिसमें टाइम लिमिट है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह, जो एक नई चीज़ पता चली थी कि मतलब जो कपड़े होने वाले हैं पहले से कपड़े दिए जाएंगे और बिल्कुल नंगा पुंगा होकर आप लोग नहीं घूम सकते, यानी कि कपड़े उतार के जो घूम लेते हैं सिर्फ कच्चे में घूमते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। कपड़े थोड़े बहुत तो होंगे ही, चाहे चेंज कर सकते हो उन्हें, पर ऐसे नहीं घूम सकते, वो चीज़ होने वाली है। खैर ऐसे कुछ चेंजेस आने वाले हैं, फीचर्स आने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा होता है पबजी मोबाइल इंडिया, और उम्मीद है अगले 2 महीने के अंदर आ जाएगा। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, यहाँ पर आसूस की तरफ से है, आसूस या एसस आप जो भी माने, तो आसूस की तरफ से यहाँ पर उनका जेनफोन 8 आने वाला है, जिसकी जो डेट है वो आ गई है, जो कि 12 मई है, और 12 मई को आसूस जेनफोन 8 आने वाला है। और अगर बात करें इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट वर्जन भी होने वाला है, यानी कि जैसे इसमें लिखा उस हिसाब से हो सकता है कि एक नॉर्मल वर्जन हो और काफ़ी पावरफुल वाला जो कि होगा ऑब्वियस सी बात है, और एक कॉम्पैक्ट वर्जन भी हो सकता है, जैसे कि अभी ट्रेंड चल चुका है वापस से छोटे फ़ोन वाले, मतलब छोटे फॉर्म फैक्टर वाले फोन्स का, तो इसी तरीके से हो सकता है एक छोटा फोन भी हो, मतलब डिस्प्ले साइज छोटा हो। देखते हैं 12 तारीख को क्या लॉन्च होता है, और वैसे शायद ग्लोबल लॉन्च है ये, तो देखते हैं कैसा होगा फोन और किस प्राइसिंग पे आएगा। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो है गूगल की तरफ से, मतलब एक लीक है गूगल पिक्सल बर्ड्स के बारे में। अभी अगर आपको पता हो जो पहले वाले बर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, पर अभी गूगल अभी और अच्छे तरीके से जो कंपटीशन है, जैसे कि सोनी वाले हैं जो ईयरबड्स हैं, और यहाँ पर एप्पल के एयरपॉड्स प्रो हैं, तो उनके कॉम्पिटिशन में एक शायद प्रो वर्जन निकालना चाहता है। तो कुछ टाइम पहले भी जॉन प्रॉसर ने भी यहाँ पर ट्वीट किया था कि मिड अप्रैल में आने वाले हैं, पर अभी तक नहीं आए हैं, तो अब थोड़ा और टाइम लगेगा, पर यहाँ पर ईयरबड्स आने हैं, नेक्स्ट जनरेशन के ईयरबड्स आने हैं, तो देखते हैं क्या स्पेशल होता है, किस प्राइसिंग पे आते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। बात करें आज की हमारी आखिरी टेक न्यूज़ की, तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, जो कि यूट्यूब की तरफ से, यानी गूगल के जो यूट्यूब है उसकी तरफ से है, जहाँ पर अभी एक बहुत ही अच्छा फीचर आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है, जहाँ पर क्या होगा कि जो यूट्यूबर्स, यानी कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो भी अपना नाम चेंज करना चाहते हैं और अपनी जो गूगल प्रोफाइल उसका नाम नहीं चेंज करना चाहते, उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर हमें अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना है तो उसके लिए हमें अपने पूरे अकाउंट का नाम सेम रखना पड़ता था, यानी कि हमें सिर्फ एक जगह जाकर अपने गूगल अकाउंट में अपना जो मेन हमारा नेम है उसको चेंज करना पड़ता था, उसके बाद हमारा जो कंप्लीट सभी जगह पर एक ही हो जाता था वो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लोग चाहते हैं कि उनका जो ईमेल एड्रेस पर नाम है वो अलग हो, और बहुत बार उनका जो यूट्यूब के ऊपर नाम है वो अलग हो और ईमेल सेम हो, तो यहाँ पर वो इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, और अभी हम लोग सिर्फ अपने जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम चेंज कर सकते हैं, और हमारी जो कंप्लीट प्रोफाइल है यहाँ पर जीमेल वाली उसका नाम वैसा का वैसा ही रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब देखिए चैनल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे टेकसुर मेरे का, पर मेरा नाम टेकसुर थोड़ी है, तो यहाँ पर मैं जो जीमेल आईडी है उसका नाम अलग रहेगा, ऋषभ वर्मा रख सकता हूँ मैं, और जो हमारे यूट्यूब मतलब यूट्यूब पर हमारा जो नेम है, चैनल का जो नेम है उसको हम चेंज कर सकते हैं अलग से, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और बहुत ही अच्छा है जो आ रहा है ये, जैसे काफ़ी जल्दी आ गया अभी तो बस। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी और टेक न्यूज़ काफ़ी पसंद आई होगी। टेक न्यूज़ नंबर 139 खत्म होती है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।